यह तस्वीरां हरियाणा के रेवाड़ी दियां ने जिथे जमीन की लड़ाई च गोलियां चलियां गड्डियां भन्नियां गईयां लोग जख्मी होए ने अते इल्जाम पुलिस ते भी लगे ने। इल्जाम ने कि पिंड तवाना च गड़ी बोलनी रोड से 100 तों वध लोग कब्जा लैण आए सन। इस दौरान गोली चली ट्रैक्टर कार अते जेसीबी भी पन्ने गए। मारी जमीन का अवैध कब्जो करवाना है, अवैध कब्जो करवाना था और मेरे गोली मारी मेरे भी फॉर्च्यूनर वाली गाड़ी वाला। ये जमीन मारी है जमीन और वह अवैध कब्जो करना आया कौन है और सारा गुंडा था। कौन लोग हैं, कितने कितने थे, कितने लोग? लगभग 200-300 आदमी। ये जमीन हमारी है, काश्तकार हमसे गैर मरुषी और उनने किसी से कैसे ली कैसे ना ली, छलिया से ली कैसे ली, यहाँ आकर अब गोली चलाई इन्होंने। कितने लोग हैं? केस चल रहा है हमारा, हमने बंटवारा का डाला है, हमारा केस चल रहा है और उसका सटे का भी केस चल रहा है, लेकिन जबरदस्ती आकर ट्रैक्टर चला लिया खेत में। कितने लोग थे? बहुत घना, 200 आदमी। फिर ये आपके हाथ में और ये चोट कैसे लगी? ये गोली लगी, ये तो वहाँ चली है गोली, वहीं बैठे थे हम, आया ना उरान, ये तो सारा ही वो ठीक चले गए। ऐसे भैया जी एकदम आके हमलो कर दियो खेत के, खेत का भाई ये हो। कितने कौन लोग थे जिन्होंने किया? ये है कोई भोजराज चुगो से, चुग कुमावास को है। कितने लोग? बिल्कुल 200-250 आदमी थे कम से कम। फायर गोलियां भी चली हैं? गोलियां सब का लोग, मैं हथियार था मेरे लगी नहीं हो लगी ना गोली। लोगों के इल्जाम गंभीर ने पर पुलिस दावा कर रही है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ते कार्रवाई होगी। ये गांव डवाना में दो पक्षों के बीच में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा होने की संभावना आई थी और जिस पर सूचना आने पर इसमें तुरंत पुलिस मौके पहुंची है और जिसमें कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, फायरिंग भी हुई है। फायरिंग का भी हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, कोई खोड़ या कुछ ऐसा नहीं मिला है कोई। अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ आता है तो हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, दोनों पक्षों, जब पुलिस शुरू में आई है तो दोनों पक्षों को कहा चौकी में आ जाए। नहीं, दोनों पक्षों को ही बुलाया गया, एक पक्ष को नहीं बुलाया। पुलिस वालों को इतना डर है तो इनको डर क्या चीज का नहीं बता है? इंसान हम भी है, इंसान ये भी है। रोना किस बात का होता है साहब? हमारी जमीन है तो जमीन में ये इनने भाजवत कर दी, अब आप इनने बंदूक चलाई है। कितने लोग होंगे? ये था कम से कम 100-150। पुलिस के दावे एक पासे पर पिंड के लोग इल्जाम पुलिस से भी ला रहे ने।